पैसे की तंगी ने बनाया जिम ट्रेनर को स्नेचर। मुंबई पुलिस ने दो चैन और दो मंगलसूत्र के साथ किया गिरफ्तार। मुंबई के बोरीवली पश्चिम पुलिस ने एक ऐसे जिम ट्रेनर को चैन स्नेचिंग के मामले में गिरफ्तार किया जो खुलेआम स्नेचिंग किया करता था। आरोपी समीर शिवाजी सेलार ने NHB पुलिस स्टेशन की हद दहिसर पश्चिम मछली मार्केट के पास महिला के पीछे पैदल जाकर महिला का चैन और मंगलसूत्र खींचकर फरार हो गया। इससे पहले भी आरोपी के ऊपर वसई रोड रेलवे पुलिस में स्नेचिंग का मामला दर्ज है। आरोपी समीर शिवजी सेलार पहले मालाड में रहता था जहां वह जिम ट्रेनर के तौर पर काम करता था। पैसे की तंगी की वजह से वह अपनी पत्नी के साथ विरार रहने चला गया जहां उसके पास कोई काम नहीं था और उसके ऊपर पैसे का कर्ज हो गया था। कर्ज चुकाने के लिए पैसे की जरूरत लगी। पैसे कमाने के आसान तरीकों में चैन स्नेचिंग करना शुरू कर दिया। स्नेचिंग के लिए आरोपी किसी भी इलाके में पैदल जाता जहां कोई भी महिला चैन पहने देखता उसका पीछा करना शुरू कर देता और कम भीड़ वाले इलाके में जाने पर चैन और मंगलसूत्र छीनकर गलियों के रास्ते फरार हो जाता था। पुलिस ने समीर शिवाजी सिलार के साथी सूरज यादव को भी गिरफ्तार किया है जो सोना बेचने का काम करता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से दो चैन और दो मंगलसूत्र बरामद किया गया है जिसकी कीमत लगभग 1,25,000 है। आरोपियों ने और भी कितनी स्नेचिंग की है उसकी जांच पुलिस कर रही है। ठीक कहा आपने कि हमने एक चेन स्नेचिंग के गुनाह में एक आरोपी को हमने अरेस्ट किया है। उसकी हकीकत ऐसी है कि 23 नवंबर को एक महिला हमारी जो दहिसर मच्छी मार्केट के नज़दीक के एरिया में रहती है वो देव दर्शन के लिए गई थी और वहाँ से वापस जब आ रही थी तो थोड़ा सा जहाँ लोग कम रहते हैं ऐसी जगह पे जब वो आके अपने घर की तरफ जा रही थी तभी पीछे से आके एक आदमी ने उनके गले में पहना मंगलसूत्र और चेन खींच के जबरी से खींच के वो लेके गया था। उसके बाद उस बारे में हमारे पुलिस स्टेशन में तुरंत FIR दाखिल हो गई थी और इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम ने शुरू किया था। उस दौरान ये पता चला था कि वो आरोपी मीरा रोड की तरफ गया है तो उसका पीछा करते करते हम लोग वहाँ तक पहुँच गए लेकिन आगे एक स्पेसिफिक जगह के बाद उसका जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो हमने मीरा भाईंदर के आजू बाजू के सारे परिसर के रिकॉर्ड के आरोपी चेक किए लेकिन जो आरोपी का वर्णन मिला था उससे वो मैच नहीं हो रहा था। तो हमने वहाँ कुछ खबरियों की निर्मित की, साथ ही साथ में हमने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। दोनों की मदद से हमको वो मालूम हो गया है कि वो ना कि मीरा रोड का रहवासी है, वो तो विरार में रहता है। तो हमने विरार पे कॉन्सेंट्रेशन किया लेकिन रविवार को मालूम हुआ कि वो समता नगर की तरफ आ रहा है तो हमने वहाँ उसको ट्रैप लगा के उसको अरेस्ट किया है। उसके बारे में अभी तक ज़्यादा मालूम नहीं मिली है लेकिन इतना पता है कि वो जिम ट्रेनर करके काम करता था और अभी अभी फिलहाल 2 महीने पहले वो यहाँ विरार में रहने के लिए आया है। उसने हमारा जो गुनाह हुआ है उसके पहले और एक गुनाह किया है, वो भी चेन स्नैचिंग का ये है। वो वसई रेलवे पुलिस स्टेशन में दाखिल है, अभी भी गुनाह उन्होंने किए हो सकते हैं उसके बारे में तहकीकात कर रहे हैं। अभी तक हमने वो जो ये मेन आरोपी और उसने चुराए हुए जो चीज़ें हैं वो बेच के उसको पैसे देने वाले आरोपियों को भी अरेस्ट किया है। हमारे इसमें 65,000 का था और लगभग उसी उतने कीमत का वसई रेलवे का है।